हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको मैं धनिया उगाने का सबसे आसान तरीका बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप इस तरीके का यूज करके अपने खेतों में धनिया इजीली ग्रो कर सकते हैं। आप इसको चाहें अपने किसी प्लॉट में, क्यारी में भी लगा सकते हैं बड़े आसानी तरीके से। तो इस तरीके से आप अपने धनिया को उगा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए मैंने लिया है धनिया के सीड्स। तो देखिए दोस्तों, ये मेरा सूखा धनिया का सीड्स है। इसको मैंने अपने लोकल सीड्स की शॉप से परचेज किया है, या फिर अगर आपके घर में पहले से ही रखा हुआ है तो वही आप उसका भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मेरे पास साबुत धनिया है। सबसे पहले आप इसको कम से कम 5 से 6 घंटे धूप में अच्छे से सुखा लीजिए। तो आप एक बार धनिया का सीड्स को ज़रूर सुखाएंगे। सुखाने से क्या होगा, जो सीड्स होंगे उनका जर्मिनेशन, जो ग्रोथ होगी उसका रिजल्ट 100% होगा। अब देखिए, मैं इसको 5 से 6 घंटे अपने सूखने के लिए रख देता हूँ। सूखने के बाद देखिए दोस्तों, अब देखिए सूखने के बाद मैं अपने धनिया के सीड्स जो है हमारे, हमें इनको दो हिस्से में डिवाइड कर लेना है। इसको आप किसी भी चीज़ की हेल्प से, या हल्के हाथ से, या किसी भी मत पत्थर ईंट से, आप इसको हल्के से दो भाग में डिवाइड कर लेना। डिवाइड करने के बाद आपको मैं दिखाता हूँ कि मैंने अपने हाथ से, बेलन से मैंने इसको डिवाइड कर लिया है। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, जो मेरे धनिया के सीड्स के, उसको मैंने दो भागों में डिवाइड कर लिया है। और देखिए, मेरे जितने भी धनिया के सीड्स हैं सबको दो भागों में डिवाइड कर चुका हूँ। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जो सीड्स डिवाइड सीड्स हो चुके हैं उनको पानी में भिगो के रखूँगा। पानी में मुझे कम से कम इनको 8 से 9 घंटे, या फिर आप रात भर भी इसको पानी भिगो के रख सकते हैं। भिगोने से होगा क्या, धनिया के जो सीड्स होते हैं उनमें जर्मिनेशन ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और वो बहुत जल्दी ग्रोथ करते हैं। तो अब मैं इसको 8 से 9 घंटे के लिए भिगोने के लिए रख देता हूँ, या फिर मैं रात भर के लिए भी रख सकते हैं। तो मैं देखता हूँ 8-9 घंटे बाद। 8 से 9 घंटे के बाद देखिए, हमारा धनिया के जो सीड्स हैं वो अच्छे से भीग गए हैं। अब हम इसे पानी से बाहर निकाल कर अपनी मिट्टी में लगाएंगे, या आप चाहे इसको गमले, पॉट, जिसमें चाहे आप उसमें इसको लगा सकते हैं। तो चलिए, अब मैं इसको आपको लगा के दिखाने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने पहले से ही इसके लिए क्यारी तैयार की हुई है, जिसमें मैंने पहले से ही पानी चला दिया था, और इसमें मैंने काऊ डंग मिट्टी के साथ मिलाया हुआ है। अगर आप चाहते हैं तो इसमें कोई भी ऑर्गेनिक कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट भी मिला सकते हैं, बट नॉर्मल सोइल में भी आपका धनिया इजीली उग सकता है। तो मैंने सिंपल सोइल में सिर्फ काऊ डंग मिलाया है। तो अब मैं पहले अपनी मिट्टी को अच्छे से धुलाई कर देता हूँ ताकि ये भुरभुरी हो जाए। अब मैं इसमें अपने सीड्स को आसानी से उगा सकता हूँ। तो सीड्स को उगाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप दो मेथड यूज कर सकते हैं। आप सिंपल ऐसे ही ऊपर डाल के उसकी ढुलाई कर दीजिए, या फिर क्यारियाँ में बना के उसमें बीज लगा दीजिए और फिर ऊपर से मिट्टी को ढक दीजिए। तो मैं दोनों तरीके से आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए, ये मेरा पहला मेथड है जिसमें मैं अपने सीड्स को मिट्टी पे ऐसे ही सिंपल हाथों से डाल देता हूँ, और डालने के बाद उसकी अच्छे से ढुलाई कर दूंगा। ढुलाई करने से क्या होगा, जो सीड्स होंगे वो मिट्टी के अंदर चले जाएंगे। इससे होगा क्या, जो सीड्स होंगे, जो चींटे वगैरह होंगे, चींटियाँ होंगी, वो सीड्स को कम ही आपका लेके जाएंगी। नहीं तो अगर वो सीड्स ऊपर रह गए तो उसको निकाल के लेके चले जाएंगी, फिर आपका धनिया के जो सीड्स होंगे वो बिल्कुल नहीं। तो देखिए, मैंने अच्छे से अपने बी सीड्स को इसमें मिट्टी में लगा दिया है। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ दूसरा मेथड। दूसरे मेथड में क्या कर सकते हैं, आप मिट्टी के अंदर क्यारियाँ बना लीजिए। आप इस तरह से क्यारियाँ बना लीजिए, और अच्छे से काफ़ी क्यारियाँ बना लीजिए। क्यारियों में क्या होता है, बीज आराम से आपका मिट्टी के अंदर ही चला जाता है, और ऊपर से सिर्फ आपको लेयरिंग करनी होगी। तो देखिए, मैंने कुछ क्यारियाँ बना ली है।
क्यारियाँ में मैं अपना सीड्स को डाल दूंगा। सीड्स को अपने इनके अंदर डालने के बाद मैं क्या करूंगा, इसको मिट्टी की एक लेयर से अच्छे से ढक दूंगा, ताकि जो मेरे सीड्स हैं वो मिट्टी के अंदर रहें और जो उनका जर्मिनेशन ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छा होगा इस मेथड से, क्योंकि इसमें सीड्स क्या होंगे, मिट्टी के अंदर ही रहेंगे। अगर पहले वाले मेथड में आप बो इस तरह से बोने स्टार्ट करेंगे तो उसमें क्या होता है, जब आप ढुलाई करते हैं तो बीज क्या होता है, कभी कभी ऊपर रह जाते हैं, और ऊपर की वजह से रहने की वजह से उसमें अच्छे से नमी नहीं रहती और वो अच्छे से ग्रो नहीं करते। तो आप इस तरीके से भी आप अपने धनिया की बुआई कर सकते हैं और धनिया को ईजिली ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और मैं आपको साथ ही बताने वाला हूँ इसमें पानी की। देखिए, मेरी मिट्टी मैंने कि आपको पहले ही बताया था कि मैंने इसमें पहले पानी दिया हुआ है, फिर इसके अच्छे ढुलाई की है, फिर इसमें अपने धनिया के सीड्स को लगाया है। अगर आप सूखे में ही सीड्स को लगा रहे हैं तो इसमें साथ में पानी भी दे दीजिए। अब देखिए, मेरे में तो पहले से ही नमी है इसके अंदर, ये ड्राई नहीं है ज़मीन मेरी, तो मैं इसमें पानी अब तब दूंगा जब मेरी ज़मीन ड्राई होने लगेगी। और आप भी तभी दें जब आपको लगे कि आपकी ज़मीन क्या है, मिट्टी आपकी ड्राई होने लगी है, तभी आप पानी दें, वरना नहीं दें। क्योंकि अगर आप ओवर वाटरिंग कर देंगे तो क्या होगा, जो आपके सीड्स हैं वो आपके क्या गलने लगेंगे, उसमें क्या होगा, फंगस की प्रॉब्लम आ जाएगी और बहुत प्रॉब्लम होने लगेगी। तो आपको पानी तभी देना है जब आपकी ज़मीन क्या हो, ड्राई होने लगे।